डिजाइन हम और फैब्रिक्स में बनाएंगे. इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपके हैंड पेंटेड ड्रेसेस पहनते हैं. ये देखिए, करीना कपूर ने साड़ी पहनी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हैंड पेंटेड साड़ी है बाय यूजिंग एक्रेलिक कलर्स. आलिया भट्ट, देन ये सभ्यसाची कलेक्शन है. इसमें अनुष्का शर्मा ने जो लहंगा वेयर किया है इसमें हैंड पेंटेड वर्क है. देन आप देख सकते हैं ये गाउन, ऑफ शोल्डर गाउन है जिसमें हैंड पेंटेड वर्क है. नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं वन पीस ड्रेस विद हैंड पेंटेड डिजाइन. तो इसी तरीके से काफी सारे डिजाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ. जरूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनल वेयर में ही ये डिजाइन बनाते हैं, इसको हम इस तरीके से वेस्टर्न वेयर में भी बना सकते हैं. आप देख सकते हो ये हैंड प्रिंटेड डिजाइन है बाय यूजिंग एक्रेलिक कलर्स. ये है लहंगा चोली. नेक्स्ट अगेन वन पीस, इसमें आप देख सकते हो इसमें फ्लोरल वर्क हुआ है. ये सारे सूट्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं फ्लोरल प्रिंट्स में, जो कि एक्रेलिक कलर्स यूज किए हुए हैं इसमें. अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्रेलिक कलर्स के बारे में. एक्रेलिक कलर एक कलर मीडियम है जिसको हम फैब्रिक में यूज कर सकते हैं, मेटल्स में यूज कर सकते हैं, वुड में यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो उसको आप फाइल वर्क में यूज कर सकते हो, आइवरी शीट्स में भी यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको एक्रेलिक कलर्स दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट्स. ये देखिए एक्रेलिक कलर्स. ये एक्रेलिक कलर्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, कैमलिन के हैं, फेविक्रिल के हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के कलर्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं. आप स्टेशनरी में जाके आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हो. इसके बाद हम इसके लिए यूज करेंगे कुछ ब्रशेस. ये सारे फ्लैट ब्रशेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ राउंड ब्रशेस हैं. ये आप देख सकते हैं ये सभी राउंड ब्रशेस हैं. एंड दिस इज फैन ब्रश. ये सारे ब्रशेस हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स के लिए यूज करते हैं. अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम जब नॉर्मल जो भी पीपल होते हैं उनसे अगर हम कलर्स की बात करें तो वो कहेंगे कि ये कलर रेड है. बट अगर आप फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो आपको कलर्स की भी नॉलेज होती है. आप देख सकते हो ये जो फैब्रिक्रिल का कलर है इसमें इसका नेम है क्रिम्सन. तो ये क्रिम्सन कलर है, नॉट रेड. इसी तरीके से यहाँ पे लाइम येलो है, सैप ग्रीन, देन ऑरेंज एंड गोल्डन. सो आपको ये एक्रेलिक कलर्स इजीली स्टेशनरी मार्केट से मिल जाएंगे. एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. आप इनको वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं और ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं जब हम ये ड्राई हो जाते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगी कुशन कवर का. इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कट किया हुआ है फैब्रिक. तो आप चाहो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है. इसमें आप लिनन का फैब्रिक भी ले सकते हो और डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है. ग्लेस कॉटन है, आप वो ले सकते हैं. इसके लिए आप फैब्रिक को कट कर लीजिए पहले ही, सो दैट कि हम जितना भी कलर हमें चाहिए उतना ही यूज करें, एक्स्ट्रा कलर हमारा वेस्ट ना हो. चलो आप देखते हैं. सबसे पहले हम न्यूज़पेपर नीचे स्प्रेड कर लेंगे. ये हमारा फैब्रिक है. ग्लेज कॉटन. इसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी कट कर लिया है. इसको सबसे पहले हम देखेंगे. मैंने ये 13 इंचेस का लिया है तो हम इसको इसका सेंटर पार्ट लेंगे. ठीक है, आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो सेंटर पार्ट मार्किंग करने के लिए. इस तरीके से ये सेंटर पार्ट आ गया हमारे पास.
और इसके लिए मैंने एक ट्रेलर चौक यूज किया है। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें एक फिगर। ये देखिए फैब्रिकल का ब्लैक कलर है। एम्बेलिश करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज कर सकते हैं, सरोस के यूज कर सकते हैं, डिफरेंट बीड्स यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक कलर लिया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आपके पास हैं तो मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया है सो दैट कि इसके अंदर अच्छे से फिनिशिंग आए। वाटर से भी हम यूज कर सकते हैं इसको वाटर लगा के, और विदाउट वाटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फैब्रिक कलर्स परमानेंट होते हैं तो आपको अगर इसको आयरन करना है तो आपको कम से कम 24 आवर्स तक इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ये सूख जाए अच्छे से, ड्राई हो जाए। और अगर आपको आयरन भी करना है तो इसकी बैक साइड से आयरन करना है। हम फैब्रिक कलर यूज करने के लिए ज्यादातर टाइट वीविंग का फैब्रिक लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैंने कुछ पार्ट यहाँ से छोड़ दिया जहाँ पे मैंने कलर नहीं किया है। इसके लिए मैं इसमें व्हाइट कलर का यूज करने वाली हूँ और इसको हम अच्छे से इसमें ब्लेंड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इसमें राउंड ब्रश ही यूज किया है। आप एक बार जब कलर डिप करते हैं डायरेक्टली तो आप उसको अच्छे से लीजिए, साफ कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम हल्के हल्के ड्राई स्ट्रोक्स यूज करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप भी एक्रेलिक कलर्स स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो, ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक लेके आप कोई भी डिजाइनिंग अपनी बना सकते हो फैब्रिक लेके।
हम सिर्फ अपर बॉडी बनाने वाले हैं इसकी, ब्लैक। उसके बाद हम इसके नीचे फ्लोरल डिजाइन बनाएंगे। कई बार हमारे ड्रेसेस में कुछ ऐसे स्टेन्स लग जाते हैं जो हटते नहीं हैं, तो आप चाहो तो फैब्रिक कलर से कोई डिजाइनिंग वहाँ पे बना सकते हो। और कई बार हमारी न्यू ड्रेसेस खराब हो जाती हैं किसी ना किसी स्टेन से, जो हम चाहते हैं उसे दोबारा पहनना बट पहन नहीं पाते। इसमें आप चाहो तो कोई भी डिजाइन बना सकते हो, फ्लोरल डिजाइन बना सकते हो, ज्योमेट्रिकल, एब्स्ट्रैक्ट, लैंडस्केप, या आप कोई भी डिजाइन खुद क्रिएट कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके। ब्लैक जो हमने करना था वो कर चुके हैं, अब हम इसको कलरफुल करने वाले हैं। आप इस ब्रश को पानी में, सिंपल वाटर कंटेनर लीजिए इस तरीके से, और आप इसमें अगर आप इसको डिप कर देंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद हमें यूज़ करना है एक रैग। कोई भी कपड़ा आपके घर में पड़ा हो तो आप उसको ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी, कई बार सूट वगैरह जब हम सिलवाते हैं तो बच जाता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके घर में जो भी कोई रफ फैब्रिक पड़ा हो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से अपने ब्रश को साफ कर लेंगे तो ये कलर निकल जाता है। उसके बाद आप इसमें दूसरा कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो इसी ब्रश के साथ। मैं ये ग्रीन कलर यूज करने वाली हूँ, ये है सैप ग्रीन। तो आते हैं हम थोड़ा सा व्हाइट यूज करेंगे।
और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। ये क्रिम्सन कलर है, इसको हम यूज करेंगे फ्लोरल इफेक्ट के लिए। मैं हल्का सा ब्लैक ड्राई स्ट्रोक्स देंगे ब्लैक पे।
Now I'm going to use ultramarine blue. फैब्रिक कलर से जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एंड बहुत अच्छा आता है इसका रिजल्ट। तो
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अपने व्हाइट फ्लॉक में आता है इसमें हम बिल्कुल ड्राई ड्राई स्ट्रोक्स देंगे।
हम येलो सनफ्लावर बना रहे हैं इसको आप देख सकते हो मैंने इसको हाफ हाफ एक ही स्ट्रोक में छोड़ दिया है इसमें हम ब्राउन कलर यूज करने वाले हैं साथ में
अगर आप सीधा ये डायरेक्ट डिजाइन नहीं बना सकते हो फैब्रिक पे, तो आप इसको पहले ड्रॉ भी कर सकते हो, या आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो पहले बाय यूजिंग गोल्डन कार्बन पेपर। एक ब्लू पेपर भी आता है कार्बन, आप उसको ना यूज करें। हमने येलो ऐड किया है, हल्का सा ब्लैक, थोड़ी सी शेडिंग के।
अब जो ये पार्ट मैंने इसका सेंटर में छोड़ा है, इसमें हम व्हाइट कलर करेंगे, छोड़ देंगे इसको करके। इसके बाद इसको आगे ले जाएंगे, जैसे मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है, इसमें हम हल्का सा वाइट डालेंगे, इसको ब्लेंड कर देंगे।
हल्का सा ब्लैक ऐड करेंगे शेड के लिए डार्क साइड. एक साइड से डार्क, ये भी एक ट्रिक होती है, एक साइड से डार्क कर सकते हैं और दूसरी साइड से हम लाइट स्टार्ट कर सकते हैं. बस एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे और इसको मर्ज कर. साफ ब्रश के साथ इसको हमने एक साइड से लाइट शेड किया है और एक साइड से डार्क. इसके बाद हम थोड़ी सी और डार्कनेस ऐड करने के लिए हल्का सा ब्लैक डार्क साइड में लगाते मर्ज कर देंगे.
इसमें आप एक साइड पे ग्रीन और दूसरी साइड पे आप लेमन येलो मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद ब्रश साफ कर लेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। हाफ ग्रीन हाफ येलो, फिर ब्रश अच्छे से क्लीन करके मिक्स।
इसमें हमने हल्का सा बर्न थी ना ब्राउन कलर कहते हैं वो यूज किया है। इसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ब्रश को और इसको ब्लेंड कर देंगे।
इसमें मैंने काफी सारे फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं, एक फ्लोरल डिजाइन बन गया है। आप ये फ्लोरल डिजाइन अपने सूट्स में भी बना सकते हैं, कुर्ते डिजाइन कर सकते हैं, इवन अगर आप चाहो तो टी शर्ट्स में आप डिजाइनिंग कर सकते हो। शेडिंग देंगे थोड़ी डार्कर शेड नीचे की साइड से।
फिर से एकदम ब्रश को हम साफ कर लेंगे और मर्ज कर देंगे। आप चाहो तो होलसेल से फैब्रिक लेके हैंड पेंट कर सकते हो यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स, और आप उनको सेल भी कर सकते हो। ये हमने हैंड पेंट कर दिया है, इसमें अब
और इसको एम्बेलिश करने के लिए आप इसमें स्टोन यूज कर सकते हो, सरोस्की यूज कर सकते हो। वो आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगी। ये रेड कलर की सरोस्की है, ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे मोती हैं, जो टर्म फैशन डिजाइनर्स यूज करते हैं उसको सीखने के लिए आपको फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लेना चाहिए, सो दैट आपको डिटेल में पता लगे कि डिजाइनर सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग नहीं करते, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। इनको पेस्ट करने के लिए फैब्रिक ग्लू, ये स्टेशनरी मार्केट में मिल जाएंगी, ये यूज की जाती है। उसके अलावा इसको हम और सुंदर बनाने के लिए 3D ट्यूब यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3D ट्यूब्स इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप इनको एक बार परचेज कर ले तो काफी सारे गार्मेंट्स को आप बना सकते हो, काफी सारे फैब्रिक में आप पेंट कर सकते हो और इसे डिजाइनिंग कर सकते हो। ये है गोल्डन 3D ट्यूब। इसको सूखने में काफी टाइम लगता है। कहीं कहीं यूज कर लेंगे।3D ट्यूब्स काफी सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। ये ब्लू कलर की है, इसको भी हम यूज करेंगे। सिल्वर,
में छोटे छोटे मोती हैं, ये आप देख सकते हो बहुत छोटा साइज है, इसको यूज करेंगे फैब्रिक ग्लू के साथ। ये हमारा क्वेश्चन कवर का डिजाइन रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कलर एकदम साफ है, इसके अंदर हमने दूसरे कलर का ब्रश यूज नहीं किया है। ब्रशेस को आप साथ साथ में साफ करते जाएंगे तो आपके कलर्स मिक्स नहीं होंगे, कलर्स में दूसरा कलर मिक्स नहीं होगा।
पीछे मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर लगाई हुई है, आप ये देख सकते हो। आई होप कि आपको फैब्रिक पेंटिंग पसंद आई होगी। कल की वर्कशॉप के लिए आपको न्यू आइडिया और न्यू पासवर्ड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब कल के लिए जैसे मैम ने आपको क्लियर किया, मीटिंग आईडी और पासवर्ड नया मिलेगा, ठीक है। आप ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल में भी आपको आएगा, ठीक है। कोई और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैम के मैम से तो चैट में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है मैम के लिए तो आप लिख सकते हैं। आई थिंक चैट्स में मैम देखिएगा जरा, कुछ बच्चे प्रेज ही कर रहे हैं मैम, प्लीज। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चे अगर आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम एक मिनट देख लेते हैं, नहीं तो फिर एंड कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है मैम, वी कैन एंड दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल आगे का फॉलोअप होगा। थैंक यू वेरी मच, वी आर एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर।